ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में एकलव्य विद्यालय में पढ़ने वाले 40 विद्यार्थी कल नई दिल्ली में राष्ट्रपति से करेंगे सौजन्य मुलाकात। ईडी ने आज महादेव सट्टा ऐप से जुड़े लोगों के ठिकानों पर भिलाई दुर्ग में छापे मारे। बीजापुर जिले में कुटरू इलाके में माओवादियों ने 50 ग्रामीणों का अपहरण करने के बाद रिहा किया। एक पूर्व सरपंच अभी भी माओवादियों के कब्जे में। और नारायणपुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक वर्दीधारी माओवादी मारा गया। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के 40 विद्यार्थी कल 22 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय जनजाति राज्य मंत्री रेणुका सिंह भी उपस्थित रहेंगी। ये सभी विद्यार्थी आज वायुसेना से दिल्ली पहुंचे। कल राष्ट्रपति इन विद्यार्थियों से मुलाकात के दौरान जनजाति विकास, जनजाति गौरव दिवस और उनके शैक्षणिक विकास की प्रगति पर चर्चा करेंगी। ये सभी विद्यार्थी राष्ट्रपति से मुलाकात को लेकर बहुत उत्साहित हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने एक बार फिर दुर्ग, भिलाई और रायपुर में दबिश देकर करीब 8 जगहों पर छापामार कार्रवाई की है। इनमें महादेव सट्टा ऐप से जुड़े लोगों के अलावा व्यापारियों के ठिकानों पर भी छापे मारे गए। मिली जानकारी के अनुसार ईडी की टीम ने दुर्ग, भिलाई में नेहरू नगर, वैशाली नगर और फरीदनगर में छापामार कार्रवाई की। इनमें एक ट्रांसपोर्टर भी शामिल है। साथ ही टीम ने भिलाई में एक वकील के यहां भी दबिश दी। वहीं रायपुर में एक ज्वेलर्स और पेट्रोल पंप संचालक के यहां भी छापेमारी की खबर है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज नकली होलोग्राम बनाकर शराब बिक्री के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया। इस मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 26 सितंबर तय की है। इस मामले में ईडी ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा थाने में आबकारी आयुक्त निरंजन दास, विशेष सचिव एपी त्रिपाठी के अलावा अनिल टुटेजा, कारोबारी अनवर ढेबर और होलोग्राम निर्माता कंपनी के एमडी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसे लेकर अनिल टुटेजा और करिश्मा ढेबर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं दायर की गई थीं। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि शराब घोटाला मामले में कार्यवाही पर रोक के आदेश के बावजूद ईडी ने उत्तर प्रदेश में एक और प्रकरण दर्ज किया है। उन्होंने इसे कोर्ट की अवमानना करार दिया था। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर 17 राज्यों के विधायकों को भाजपा के पक्ष में वातावरण तैयार करने के लिए विधानसभावार जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी की है। इसी कड़ी में आज राजधानी रायपुर के भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में 5 राज्यों के 57 विधायकों का प्रशिक्षण वर्ग शुरू हुआ। इस दौरान विधायकों को छत्तीसगढ़ में 13 बिंदुओं पर काम करने की जानकारी दी गई। इसके तहत विधानसभा स्तरीय बैठक, मन की बात समन्वय बैठक, लाभार्थी सम्मेलन और संपर्क, विधानसभा क्षेत्रों में दीवार पेंटिंग अभियान की समीक्षा, अनाथालय का दौरा, पार्टी प्रवेश को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन, वृद्धाश्रम का दौरा, बाइक रैली, युवाओं से बातचीत, सोशल मीडिया, आईटी सेल की समीक्षा और प्रेस वार्ता के अलावा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ बातचीत करना शामिल है। प्रशिक्षण में शामिल ये विधायक 8 दिन छत्तीसगढ़ में रहेंगे और 2 सितंबर तक विधानसभावार अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष को सौंपेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम 28 अगस्त तक चलेगा। उद्घाटन सत्र में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पवन साय और कार्यक्रम संयोजक अभय पाटिल उपस्थित थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल महासमुंद में बसना क्षेत्र के ग्राम तरेकेला में ट्रांसमिशन कंपनी के 132 केवी उपकेंद्र निर्माण का वर्चुअल भूमि पूजन कर आधारशिला रखी। लगभग 49 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस सब स्टेशन से अगले 10 सालों तक निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति हो सकेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सरायपाली के भूलका और खल्लारी में घोंच में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के 2 नए केवी सब स्टेशन का भी लोकार्पण किया। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन भुवनेश्वर में आयोजित शिक्षा सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने नई शिक्षा नीति को क्रांतिकारी कदम बताते हुए कहा कि इससे देश को समृद्ध और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। नया पाठ्यक्रम भाषा, संस्कृति, देशभक्ति, ज्ञान विकास और मूल्यों पर जोर देता है।
उन्होंने कहा कि यह शिक्षा नीति मनुष्य के सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, धार्मिक, बहुभाषी, मानसिक और चारित्रिक गुणों में सुधार करेगी। राज्य के पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने आज नवा रायपुर में 2 दिवसीय गूगल और पेटीएम साइबर प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में वित्तीय कारोबार संचालित करने वाली गूगल और पेटीएम के प्रशिक्षित अधिकारियों की टीम द्वारा पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को साइबर ठगी की रोकथाम तथा त्वरित कार्रवाई करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। बीजापुर जिले के कुटरू क्षेत्र के चिकट राज पहाड़ में पूजा अर्चना के लिए गए 50 से अधिक ग्रामीणों को माओवादियों द्वारा कथित रूप से अगवा करने की खबर मिली है। इनमें से सभी ग्रामीणों को माओवादियों ने पूछताछ के बाद छोड़ दिया। वहीं एक पूर्व सरपंच महेश गोटा अभी भी माओवादियों के कब्जे में है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रकांत गवर्ना ने बताया कि ग्रामीणों ने सूचना दी है कि माओवादी ग्रामीणों को अपने साथ जंगल में ले गए थे, जहां पूछताछ करने के बाद उन्हें वापस भेज दिया गया, लेकिन पूर्व सरपंच को बंधक बना लिया। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों और परिजनों ने माओवादियों से पूर्व सरपंच की निःशर्त रिहाई की अपील की है। यह मामला फरसेगढ़ थाना क्षेत्र का बताया जाता है। नारायणपुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक वर्दीधारी माओवादी मारा गया, जिसका शव बरामद कर लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार भटबेड़ा के जंगल में माओवादी कमांडरों की उपस्थिति की सूचना मिलने पर ओरछा थाने से DRG और बस्तर फाइटर्स की संयुक्त टीम सर्चिंग पर निकली थी। इस दौरान जंगल में माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में एक माओवादी मारा गया। बाद में घटनास्थल की तलाशी के दौरान मौके से 315 बोर और 12 बोर की एक राइफल बरामद की गई। उधर बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों की टीम ने गंगालूर थाना क्षेत्र के किकलेर पहाड़ी के पास मुख्य मार्ग में 15 किलो वजनी डायक्सनर पाइप बम बरामद किया, जिसे मौके पर ही बम निरोधक दस्ते की टीम ने निष्क्रिय कर दिया। तमिलनाडु के नामक्कल में बंधक बनाए गए कोंडागांव जिले के बंजोड़ा निवासी 5 युवकों को छुड़ा लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार घनोरा थाना क्षेत्र के 5 युवक मजदूरी करने के लिए तमिलनाडु गए थे, जिन्हें ठेकेदार ने बंधक बना लिया था। इनमें से एक युवक ने इसकी जानकारी अपने रिश्तेदारों को दी। मामले की जानकारी मिलने पर कलेक्टर दीपक सोनी ने युवाओं की सकुशल वापसी के लिए पहल की। इसके बाद जिले के अधिकारियों ने तमिलनाडु के पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर बंधक युवाओं को ठेकेदार के चुंगल से मुक्त कराया। राजनांदगांव जिले के खुज्जी विधानसभा क्षेत्र की विधायक छन्नी चंदू साहू पर कल शाम एक युवक ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में विधायक के हाथ में मामूली चोटें आई हैं। मिली जानकारी के अनुसार विधायक छन्नी साहू ग्राम घोगरा में स्कूल और महिला भवन का भूमि पूजन करने के बाद ग्रामीणों से चर्चा के लिए मंच पर पहुंची। इस दौरान एक युवक मंच पर चढ़ा और विधायक पर हमला करने की कोशिश की। युवक को सुरक्षाकर्मियों और ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने छन्नी साहू पर हुए हमले की निंदा करते हुए कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में पूरी तरह असफल है। भाजपा प्रवक्ता और विधायक रंजना साहू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासन में महिला विधायक भी सुरक्षित नहीं है। पूरे प्रदेश में भय और दहशत का वातावरण है। नाग पंचमी का पर्व आज प्रदेश भर में पारंपरिक रूप से मनाया जा रहा है। इस मौके पर शहर से लेकर गांव में नाग देवता की प्रतिमा बनाकर पूजा अर्चना की गई। वहीं कुश्ती और दंगल का भी आयोजन किया जा रहा है। रायपुर के गुढ़ियारी स्थित शिव मंदिर परिसर में राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर के 42 पुरूष और 8 महिला खिलाड़ी भाग ले रही हैं। उधर मुंगेली में विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल द्वारा कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस बीच श्रावण मास के सावन सोमवार को आज राजधानी रायपुर के मारुति मंगलम भवन गुढ़ियारी से महादेव घाट स्थित श्री हटकेश्वर नाथ महादेव मंदिर तक कावड़ यात्रा निकाली गई। इस कावड़ यात्रा का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शिवलिंग की पूजा कर भगवान भोलेनाथ से प्रदेश की जनता की सुख समृद्धि की कामना की।
इस अवसर पर सांसद दीपक बैज, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय और नगर निगम अध्यक्ष प्रमोद दुबे सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। अब कुछ खबरें संक्षेप में। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वामन राव लाखे की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें नमन किया। महिला और बाल विकास विभाग के अंतर्गत पर्यवेक्षक पद के लिए होने वाली परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र व्यापम की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। राजधानी रायपुर के सिविल लाइन स्थित रोजगार कार्यालय में आगामी 23 अगस्त को दिव्यांगजनों के लिए विशेष प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसके जरिए 550 से अधिक दिव्यांगजनों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों और औद्योगिक संस्थानों में नौकरी मिल सकेगी। दुर्ग जिले में पाटन थाना क्षेत्र के ग्राम भंसुली में आज दो मासूम बच्चियों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। और बिलासपुर के दयालबंद क्षेत्र में हाईवा की टक्कर से बाइक सवार एक महिला की मौत हो गई, वहीं मोटरसाइकिल चालक और उसकी पत्नी घायल हो गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में एकलव्य विद्यालय में पढ़ने वाले 40 विद्यार्थी कल नई दिल्ली में राष्ट्रपति से करेंगे सौजन्य मुलाकात। ईडी ने आज महादेव सट्टा ऐप से जुड़े लोगों के ठिकानों पर भिलाई दुर्ग में छापे मारे। बीजापुर जिले के कुटरू इलाके में माओवादियों ने 50 ग्रामीणों का अपहरण करने के बाद रिहा किया। एक पूर्व सरपंच अभी भी माओवादियों के कब्जे में। और नारायणपुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक वर्दीधारी माओवादी मारा गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।